ये देखें, ये खुद को मुलाजमीन जाहिर कर रहे हैं और इन्हें थप्पड़ मारे जा रहे हैं, पुलिस की जान से मारा जा रहा है। पुलिस का रवैया काफी जहरियाना लग रहा है इस वक्त। जो खुद को सरकारी मुलाजम जाहिर कर रहे थे ये नौजवान, उन्हें ये कहा जा रहा है कि हमें थप्पड़ मारेंगे। तो ये सूरत हाल है फ्लाई ओवर फैजाबाद की, इस वक्त आप देख सकते हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रिजनर्स वैन यहाँ पे मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद एक्सप्रेस वे पर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे डिब्यूट कर दी गई है। ये चूंकि जंक्शन है जुर्मा शहरों का, रावलपिंडी इस्लामाबाद का, यहाँ पे रावलपिंडी मेरे लेफ्ट साइड पे, यहाँ से एक फरलांग के फासले पर रावलपिंडी की जो सेक्शन आती है और ये इस्लामाबाद का ये एरिया है। और यहाँ पे गिरफ्तारियाँ अभी हो रही हैं। अब देख सकते हैं कि कुछ देर पहले एक्सप्रेस वे को फ्लाईओवर के नीचे से मुकम्मल तौर पर खोला गया था, लेकिन अब ये देख सकते हैं कि वहाँ पर आप पुलिस भी आपको नज़र आ रही होगी और ये गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आदल ये अगर अच्छा, यहाँ पे कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मुबैना तौर पे पुलिस के जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, लेकिन जो गिरफ्तार हुए हैं नौजवान, उनका ये कहना है कि हम राहगीर हैं, हम रास्ता ढूंढ रहे थे, मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं, तो ये रास्ते की तलाश में आगे जा रहे थे तो हमें गिरफ्तार कर लिया। बिजनेस मैन यहाँ पे आदल दिखा सके तो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है, पुलिस काफ़ी चार्ज नज़र आ रही है और काफ़ी एक्साइटेड है। अभी कुछ दो नौजवानों को पीटा जा रहा था तो तशद्दुद किया जा रहा था, तो उनका ये कहना था थप्पड़ क्यों मारे जा रहे हैं, वो अपने सरकारी कार्ड दिखा रहे थे, हम सरकारी मुलाजमीन हैं। तो यहाँ मेरा ख्याल है किसी के लिए कोई रियायत नहीं है, चाहे सरकारी मुलाजम हो या कोई भी हो। यहाँ अगर सिविलियन कोई भी नज़र आएगा इस वक्त, जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है बज़ाहिर, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ पर शहरीों के लिए भी यहाँ से गुजरना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन होने के शोबे में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। और ये एक्सप्रेस वे की एक रो खोली गई है इस्लामाबाद में दाखिले के लिए। तो ये ताज़ा तरीन मनाजर है, अभी एक और कारकुन को गिरफ्तार किया जा रहा है, बिजनेस वैन में डाला जा रहा है। यहाँ पर बिजनेस वैन मौजूद है, तकरीबन अब तक तकरीबन 10 यहाँ पे मुबैना कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद को लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहीं से भी अगर पुलिस को कहीं कोई शहर यहाँ से गुजरता नज़र आ रहा है तो उसे कारकुन होने के शोबे में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ताज़ा तरीन बिजनेस वैन यहाँ से रवाना हो चुकी है। तकरीबन 10 से 11 जो यहाँ पे शहरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन जाहिर करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर काफ़ी मैंने देखा कि रवैया जो काफ़ी जहरियाना इस वक्त नज़र आ रहा है इस्लामाबाद पुलिस का, ये इस्लामाबाद पुलिस का ये आलम है। और पंजाब पुलिस आपके साथ क्या रवैया कैसा रखे, कि मोहसिन नकवी ने ठीक कहा था कि इस वक्त कोई रियायत नहीं है, और बज़ाहिर आज सुबह के आगाज़ पर ही हमने देखा है कि जो जिस तरह का रवैया अभी नज़र आ रहा है पुलिस का, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस दफ़ा जो दंगल होगा बड़ा सख्त होगा और खूनरेज दंगल हो सकता है। जी